कि इस वीडियो का थंबनेल एंड टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज किस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो स्कूल के सभी छात्रों के लिए स्पेशल होने वाला है, और स्पेशली आप सभी को मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। आप क्या करते हो, वीडियो को तो देखते नहीं हो, थोड़ा बहुत देखते हो, फिर उसके बाद अपना जो भी आउटपुट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाल देते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना होगा, क्योंकि आप देख लेना, चाहे आप मेरे किसी भी वीडियो में जाकर देख लेना, वहां पर आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन जरूर देकर जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं फेक बना के जाता हूँ या कोई फलाना दिखाना वैसे कोई न्यूज देकर जाता हूँ। हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज देता हूँ, बिल्कुल एक तरफ से प्रूफ के साथ आपको न्यूज बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको काफी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, और उसी के साथ दोस्तों आपके कुछ डाउट है वो भी मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कल शाम को देरी से, मतलब कि जो आपके रोल नंबर है 10th या 12th के जो रोल नंबर है, बोर्ड परीक्षाओं के जो रोल नंबर है आपके, वो जारी हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि किस प्रकार से अपने रोल नंबर देख सकते हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की जरूरी खबरों के बारे में। तो पहली खबर तो ये है दोस्तों, जैसे कि आपके रोल नंबर जारी हो चुके हैं और आप सभी के मन में एक डाउट पनप रहा होगा, अपने दिमाग में घूम रहा होगा रील की तरह, कि जो हमारे 3 मार्च से एग्जाम होने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं के 10वीं एंड 12वीं के, वो क्या उसी दिन होंगे या आगे जाकर पोस्टपोन होने वाले हैं। ये काफी बड़ी चिंता हो रही है सभी छात्रों के मन में, और साथ में यहाँ पर दिमाग में भी काफी ये एक तरह से रील घूम रही है कि हमारी जो 3 तारीख को जो हमारी परीक्षाएं होने वाली है वो पोस्टपोन होगी या उसी दिन होने वाली है। और उसी के बाद दोस्तों, जैसे कि आज सुबह की खबर के बारे में जाने, तो आज जो कैबिनेट मंत्री है उनकी बैठक होने वाली है, जो हमारे सीएम अशोक गहलोत जी वो लेने वाले हैं, जिसका आउटपुट अगर कुछ भी आएगा आपसे रिलेटेड तो आपको कुछ ही देर बाद में मैं आपको यहाँ पर वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन बात की ओर, जहां पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, 3 मार्च को होगी या पोस्टपोन होगी। देखो, 70 से 80% चांसेज बन रहे हैं कि जो आपकी 3 मार्च से होने वाली परीक्षाएं हैं वो पोस्टपोन हो सकती है। उसका रीजन चलिए मैंने पहले ही बता दिया और मैं फिर से आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी को मालूम है कि शहरी इलाकों की जितने भी स्कूल है, नगर पालिका एंड नगर निगम की जितने भी अधीन स्कूलें आती है, उन सभी की 15 या 30 दिन की जो पढ़ाई थी वो एक तरह से रुक गई थी। इसी की वजह से बोर्ड चाह रहा है कि उनका ओनली 70% ही सिलेबस कम्प्लीट हुआ है, अभी भी उनका 30% जो सिलेबस है वो बाकी है। इसकी वजह से बोर्ड चाह रहा है कि जो 3 मार्च होने वाली परीक्षाएं हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ में ही होने वाली है, मार्च में होने वाली है। आप सभी को मालूम है कि फिलहाल फरवरी की 2 तारीख है आज, आपके पास ओनली 1 मंथ है, और 1 मंथ में 30% जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बोर्ड चाह रहा है, ओनली वहां पर सोचा जा रहा है बोर्ड के द्वारा, ऐसा कोई अभी देखो डिसीजन नहीं लिया गया है कि आपकी 3 मार्च से होने वाली परीक्षाएं स्थगित होंगी। और दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया कि 70 से 80% चांसेज है आपकी परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर। और आपको एक और बड़ी अपडेट मैं आप सभी को बता देता हूं, जो वैसे मैंने ये बात पहले भी बता दी है, मैं फिर भी आप सभी को बता देता हूं, कोई भी अगर न्यू यूजर यहां पर आया है वीडियो देखने के लिए, तो आपको मैं बता देना चाहूंगा, अब की बार जो आपका सिलेबस रहेगा, जैसे पिछली बार आपका 50% रहा था, लेकिन अब की बार आपका 70% रहने वाला है। सॉरी दोस्तों, पिछली बार तो आपको शायद प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन अब की बार जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपका 70% रहने वाला है, और 70% में आपको काफी 30% की छूट मिलने वाली है। साथ में जो शहरी इलाकों के स्कूल है, उनके जितने भी स्टूडेंट है, उनकी परीक्षाएं आगे जाकर स्थगित हो सकती है, इसलिए उनको सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। बात करें ग्रामीण इलाकों की स्कूलों की, तो ग्रामीण इलाकों के जो सिलेबस है दोस्तों, वो कंप्लीट हो चुका है या हो जाएगा, 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को बली बाती से पता है उनकी जो स्कूलें हैं वो बंद नहीं हुई है। और दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि काफी ऐसे स्टूडेंट है वो एक तरह से अफवाह उड़ा रहे हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसी अफवाहें मत उड़ाइए कि स्कूल बंद होगी या आपको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इससे जो स्टूडेंट है उनके ऊपर बैड
बैड इफेक्ट पड़ता है और उनको अपनी पढ़ाई करने भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो आप सभी बिल्कुल एक तरह से एकाग्रित होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपकी जो स्कूल है, कॉलेज है, वो आपकी अभी फिलहाल बंद नहीं होने वाली है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आप सभी को। और साथ में आपको प्रमोट किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। आपके एग्जाम होंगे, चाहे वो देखो 3 मार्च को होते हैं या आगे जाकर होते हैं, उसको मैं आपको अगर कोई भी अपडेट आएगी राजस्थान सरकार के द्वारा तो आप सभी को सबसे पहले अपडेट मैं कर दूंगा। उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना। और साथ ही में दोस्तों, आपको कोई भी ऐसा बैड कमेंट कमेंट बॉक्स में जाकर नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी ऑथेंटिक चीजें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, और ऐसी चीजों का मैं जरूर रिप्लाई भी करता हूं। अगर आप जैसे एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हो या अपने जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उनसे रिलेटेड पूछ सकते हो, प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड मैंने आप सभी को बता दिया कि प्रैक्टिकल की जो डेट है वो आपको इसी मंथ में यानी फरवरी मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। जब भी कोई न्यूज आती है प्रैक्टिकल एग्जाम रिलेटेड तो आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो उस चीज की आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए। आप तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बाकी आप सभी के साथ मैं हूं। जब भी आप सभी पर कोई ऐसी हानि आती दिखेगी तो आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा और साथ में आप सभी को अपडेट कर दूंगा कि राजस्थान में ऐसा कुछ हो रहा है आपकी पढ़ाई को लेकर। और इससे पहले भी मैं करता आ रहा हूं और अभी भी कर दूंगा और आगे भी करता रहूंगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में कुछ ऐसा ही नया कंटेंट लेकर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।